यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूपी के उन्नाव गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता की मौत को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेहद खौफनाक खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के पिता को पूरी तरह पीटा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के 14 जगहों पर गंभीर चोट के निशान बताए गए हैं। चोट की वजह से अंदर के कुछ अंग फट गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिटाई की चोट की वजह से खून का रिसाव होने लगा और साथ ही पीड़ित के पिता की मौत हो गई। तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा कि इस केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है, जो नाव पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट की भी जाँच करेगी। जरूरत पड़ी तो विधायक से भी पूछताछ की जाएगी। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ 4 जून 2017 को बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और उनके साथियों ने गैंगरेप किया था। एक महिला विधायक के पास उसे लेकर गई थी। उन्होंने बीजेपी विधायक से रेप का विरोध किया तो उसने परिवार वालों को मारने की धमकी दी। जब वो थाने में गई तो एफआईआर नहीं लिखी गई, इसके बाद तहरीर बदल दी गई। तो लगातार पीड़िता की ओर से नाम लिया जा रहा है विधायक का। लगातार कहा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर ने उसके साथ गैंगरेप किया, कुलदीप सेंगर उसके साथियों ने मिलकर गैंगरेप किया। बीते साल 4 जून 2017 का ये मामला है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में विधायक से कोई पूछताछ नहीं की गई है। विधायक को ना हिरासत में लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जब पीड़िता के पिता इसकी शिकायत लेकर एक बार फिर से थाने में पहुंचे तो यहाँ पर पीड़िता के पिता के साथ ही थाने के अंदर यहां पर कुलदीप सेंगर के साथ उन्हें मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और जिस 4-6 की घटना बता रहे थे, 20-6 को इन्होंने खुद एफआईआर लिखाई, 20-6 को इन्होंने खुद 161 के बयान दिए, 164 के बयान दिए, तब 4-6 की बात इन्होंने कहीं कुछ नहीं, क्योंकि इनको साजिशकर्ताओं ने जब साजिश समझाई तो इन्होंने दूसरी कहानी शुरू की। मैं आपकी इसकी पूरी जांच करें, तफ्तीश करें और सारी चले जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जैसे मैंने आपको बताया कि डीएम साहब ने रजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, रजिस्ट्रियल इंक्वायरी में जो भी बातें सामने आएंगी उस आधार के साथ की कार्रवाई की जाएगी, निश्चित कर दी गई है। और जब जांच आख्या आएगी, जांच अधिकारी भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो जो जांच आख्या देंगे उसके आगे गिरफ्तारी किसकी किसकी लिए अचानक गिरफ्तार हो गए जो मुकदमे के नाम के पूरी गिरफ्तारी करेंगे।